तो देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन इंटर प्रोसेस प्रॉफिट के लिए हमारी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या है कि आपका सबसे पहले प्रोसेस 1 अकाउंट बनेगा, फिर आपका प्रोसेस 2 अकाउंट बनेगा, और फिर आपका फिनिश गुड्स अकाउंट जो है, फिनिश स्टॉक अकाउंट जो है वो बनेगा। काफी बड़ा क्वेश्चन है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट बेसिकली है क्या कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जब गुड्स ट्रांसफर होगी तो पहले उसमें प्रॉफिट ऐड होगा, यानी एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के बीच में प्रॉफिट होगा, इसीलिए इसका नाम इंटर प्रोसेस प्रॉफिट है। ठीक है, इसमें कॉलम जो बनते हैं ना वो बनते हैं 3। आप देख रहे हैं कॉस्ट प्रॉफिट एंड टोटल, कॉस्ट प्रॉफिट एंड टोटल। ठीक है, ये क्वेश्चन 2010 मई सी एग्जाम में 8 मार्क्स का आया था। इतना बड़ा क्वेश्चन 8 मार्क्स का, सब सोचो। पर क्योंकि अब उनको कॉन्सेप्ट समझना है, हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दे रखा है, फार्मा लिमिटेड प्रोडक्ट ग्लूकोडिन विच पासेस थ्रू 2 प्रोसेस बिफोर इट इज कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स। ठीक है, 2 है। प्रोसेस 1 में ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है 1,50,000 रुपए। अच्छा, पहला जो प्रोसेस होता है ना उसमें आप देख रहे हैं प्रॉफिट नहीं है, देखो यहाँ कहीं प्रॉफिट नहीं है। आखिर में जाके होगा जब प्रोसेस में ट्रांसफर होगा 2 में, तो अभी यहाँ कहीं प्रॉफिट नहीं आएगा, इसलिए टोटल 1,50,000, यानी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का टोटल इक्वल टू टोटल है, इससे से होता है सी प्लस पी इक्वल टू टी है। फिर आपको दे रखा है डायरेक्ट मटेरियल दैट इज 3 लाख, तो टोटल में 3 लाख आ रहा है। फिर आपको दे रखा है डायरेक्ट वेजेस 2,24,000, यहाँ तक का टोल कर दो। अब वैसे तो क्लोजिंग स्टॉक है ना आपका क्रेडिट साइड में आ सकता है, बट यहाँ क्रेडिट साइड में लिखने की बजाय डेबिट में से लेस कर देना ज्यादा अच्छा रहता है। वापस बोल रहा हूँ, वैसे तो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में आ सकता है, लेकिन इस प्रोसेस के अंदर, इस तरीके के अंदर आपको क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट साइड में लेस कर देना ज्यादा अच्छा रहता है। तो क्लोजिंग स्टॉक 74,000 लेस हो गया। अब ये जो स्टेप आई है ये आपकी आई है प्राइम कॉस्ट, भाई डायरेक्ट खर्चे सारे जोड़ दिए, ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दिया, तो ये आपका क्या आ गया, प्राइम कॉस्ट। अब आगे आपका लिखा है फैक्ट्री ओवरहेड है 2,10,000, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड 2,10,000, तो यहां तक आपकी आ गई ये टोटल कॉस्ट। और उसके बाद आपका कुछ दे नहीं रखा है, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट निल है। आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 इज ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, ऑब्वियस है वो प्रोसेस 2 में ट्रांसफर होगा। ये देखो प्रोसेस 2 में ट्रांसफर कर रहे हैं, ये जो भी बैलेंस आपके निकलेंगे इन सब पे सर्किल लगा के बैलेंसिंग पेयर में निकलेंगे, इसलिए सर्किल लगा रखा है कि बैलेंसिंग पेयर में निकलेंगे। पर निकलेंगे कैसे जब तक यहाँ का टोटल नहीं आएगा। लिखा है आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 इज ट्रांसफर टू प्रोसेस एट 25% प्रॉफिट ऑन द ट्रांसफर प्राइस। ध्यान देना यहाँ वर्ड यूज किया गया है ट्रांसफर प्राइस। ट्रांसफर प्राइस का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, लिख लेना। ट्रांसफर प्राइस का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट ले रहे हैं आप, तो उसका फॉर्मूला होता है आपकी जो भी टोटल कॉस्ट हो इनटू रेट अपॉन 100 माइनस रेट। वैसे फॉर्मूला याद करने जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये 2 P&L है, आप प्रॉफिट कमाएंगे इस वाली आपके 8,10,000 पे। मैं ये वाला 8,10,000 नहीं ले रहा हूँ, ध्यान रखना, मैं ये वाला 8,10,000 ले रहा हूँ। वैसे फिगर एक ही है पर आप आदत इसकी डालें, आगे जाके फिगर अलग हो जाएंगे। तो अब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल होता है, और प्रॉफिट है ट्रांसफर प्राइस यानी सेलिंग प्राइस का 25%, यानी सेलिंग प्राइस अगर 100 है तो प्रॉफिट 25 होगा, तो कॉस्ट 75 होगी। ये इक्वेशन है, और हमारी ये कॉस्ट है 810, ये 75 है, तो बताओ 25 कितना होगा, इससे आप प्रॉफिट निकाल लेंगे। ये प्रॉफिट निकल गया, ये निल है क्योंकि प्रॉफिट में तो कॉस्ट हो नहीं सकती। टोटल आ गया 270। अब आप ये टोटल तीनों कर सकते हो, ये तीनों टोटल हो गए आपके। अब इस टोटल के बेसिस पर ही आपका बैलेंसिंग फिगर जो है वो आपका निकलेगा। इस टोटल के बेसिस पे ही आपका बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा, ये वाले फिगर, कौन से, ये वाले फिगर। ये तीनों बैलेंसिंग फिगर निकल रहे हैं, यानी डेबिट माइनस क्रेडिट। क्या डेबिट में से क्रेडिट को लेस कर दो तो डेबिट के टोटल तो ये रहे, ये डेबिट के टोटल है, माइनस क्रेडिट में कुछ है नहीं, जीरो लेस होगा तो यही टोटल आ जाएंगे यहाँ, और ये बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा आपका प्रोसेस 2 में। तो प्रोसेस 1 का आउटपुट जो है वो प्रोसेस 2 में ट्रांसफर होता है, ये अपन को ध्यान रखना है, और वो भी प्रॉफिट ऐड करके, क्योंकि ये इंटर प्रोसेस प्रॉफिट है। अब ध्यान दीजिएगा, जो प्रोसेस 2 का प्रोसेस 1 का आउटपुट है ये प्रोसेस 2 के लिए इनपुट बन जाएगा, और ये प्रोसेस 2 में आएगा, ये आ गया देखो 2 प्रोसेस 1 अकाउंट 810 270 एंड 1680, ये यहां से लिए गए हैं, चेक कर लो, ये यहां से लिए गए हैं, यहां से आया है ना 810 270 एंड 1080, ये 1080 है, ये यहां से लिया गया 810 270 एंड 1080 है ना। तो ये अब आपका आ गया। अब अपन चालू करेंगे, अब आपको देखो क्वेश्चन में वापस आइए, प्रोसेस 2 में ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 1,80,000, तो मैं ओपनिंग स्टॉक यहां लिखूंगा आपका 1,80,000, और उसी कॉलम में नीचे नीचे लिखा कि इंटर प्रोसेस प्रॉफिट ओपनिंग स्टॉक में 30,000। ये क्वेश्चन में कह रखा है कि इस 180 के अंदर 30,000 आपका प्रॉफिट है,
तो 180 में से जब 30 प्रॉफिट है तो कॉस्ट तो 150 ही बची ना। इसको कैसे समझना है मैं बोल रहा हूँ, इसको यहां से समझना है। 180 में से जब आपकी 30 की में प्रॉफिट है तो कॉस्ट कितना होगा, कॉस्ट आपका होगा 150। इसको इस तरीके से समझना है तभी आपको क्लियर होगा। नाउ अब आगे चलें, आपको दिया है डायरेक्ट मटेरियल है 3,15,000, तो डायरेक्ट मटेरियल 315 है, खर्चा है, खर्चे में प्रॉफिट होता नहीं। फिर है डायरेक्ट वेजेस 2,25,000, ये भी खर्चा है, खर्चे में प्रॉफिट होता नहीं है। ये टोटल हो गया यहां तक आकर। अब आपको दिया है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया है इस बार 90,000, मैंने क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखा 90,000। तो अब आपको थोड़े से एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। पिछली बार जब आपने क्लोजिंग स्टॉक लेस किया था तो यहाँ कोई प्रॉफिट नहीं था, चेक करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक जब लेस किया था तो यहाँ कोई प्रॉफिट नहीं था, चेक कर लो, यहाँ कोई प्रॉफिट नहीं था, लेकिन इस बार है। तो यूनिटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें इस कैलकुलेशन को देखना पड़ेगा कि ये कैलकुलेशन कैसे होगी। हमको ये पता है, लैंग्वेज को याद कर लो, जरा जल्दी समझ में आ जाएगा। हमें ये पता है 18 लाख में से 3 लाख का प्रॉफिट है, यानी 3 लाख प्रॉफिट आउट ऑफ 18 लाख। तो बताओ इस 90,000 में कितना होगा? इस 90,000 में, ये 90,000 है, गलती से शायद 9 लाख लिखा गया है, तो इस 90,000 में प्रॉफिट कितना होगा? वापस बोल रहा हूँ, 3 लाख का प्रॉफिट होता है 18 लाख में, तो बताओ 90,000 में प्रॉफिट कितना होगा? इस शेप को यूज करना है और कुछ भी नहीं है, उससे आपका अमाउंट निकल जाएगा 15,000। तो 90 में 15 आपका प्रॉफिट है तो कॉस्ट कितनी है 75, इससे ये कॉस्ट भी निकल जाएगी। अब आप इजीली लेस कर दो क्लोजिंग स्टॉक को कि आपका 15 लाख में से 75 गया, 3 लाख में से 15,000 गया, 18 लाख में से 90,000 गया। इस तरीके से ये आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कहलाता है। ये वर्किंग नोट में आपको देना पड़ेगा कि ये कैलकुलेशन आपने कैसे किया, ये कैलकुलेशन आपको दिखानी पड़ेगी वर्किंग नोट के अंदर। ये बात अपन को ध्यान रखनी है। आगे आपका आ रहा है फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री ओवरहेड आपके दे रखे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड भी आपको 90,000 ही दे रखे हैं। यहां तक का टोल कर दो, ये आपकी आ गई टोटल कॉस्ट। और अब प्रॉफिट के लिए पैराग्राफ में लिखा है द आउटपुट ऑफ प्रोसेस टू इज ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक एट 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस, 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस, वही सेलिंग प्राइस का 20% है। और फॉर्मूला आपको याद होगा, फॉर्मूला था टोटल कॉस्ट, जो मैंने कहा था आप ये वाला फिगर लेंगे, इंटू 20, अब आपके किस पे का 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस। तो इस कैलकुलेशन को कैसे किया गया देखिए, 18 लाख इंटू रेट 20 अपॉन 100 माइनस 20, 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा 80। तो इससे ही आपकी कैलकुलेशन निकल जाएगी 4,50,000। ये कैलकुलेशन जो यहाँ गलत हो गई है 450, और यहाँ भी 450 आ जाएगा, इसका टोटल हो जाएगा। ये टोटल होने के बाद आउटपुट जो है वो प्रोसेस थ्री में जाना चाहिए, पर प्रोसेस थ्री आपका है नहीं, तो ये आपका जाएगा फिनिश गुड्स के अंदर, और ये बैलेंसिंग फिगर में सारे अमाउंट आपके आ जाएंगे। ये बैलेंसिंग फिगर जो है आपका आउटपुट बन गया, और ये इनपुट बन जाएगा फिनिश गुड्स के अंदर। ये देखिए ये यहाँ लिखा हुआ टू प्रोसेस टू फिनिश गुड्स के अंदर, ये इनपुट बन जाएगा। इस तरीके से ये आपका जो है प्रोसेस टू अकाउंट कम्प्लीट। चलिए आगे चलते हैं। नाउ अब आपको क्वेश्चन में फिनिश गुड्स अकाउंट बनाना है, वही सीपीटी कॉस्ट प्रॉफिट एंड टोटल हो जाएंगे। ओपनिंग स्टॉक इसमें आपको दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है 4,50,000, और उसी कॉलम में नीचे लिखा हुआ है कि इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इसके अंदर जो इंक्लूडेड है वो है 165। तो 4,50,000 में से 165 का प्रॉफिट है तो कॉस्ट कितनी हो गई अपने आप ही 2,85,000। ऐसे चलना आपको, है ना, 450 में से 165 गया तो बचा 285। ये अपना बैलेंस यहाँ से आई गया था, ये पूरा जो बैलेंस है वो आपका एज इट इज यहाँ आ गया था, टोटल हो जाएंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक को लेस करना है, क्लोजिंग स्टॉक को लेस करना है तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखिए 2,25,000। अब इसका वैल्यूएशन करना है तो फिर वही फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। क्या कि आपको पता है कि 27 लाख में आपका प्रॉफिट है 9 लाख, तो 9 लाख का प्रॉफिट है 27 लाख में, तो बताओ 2,25,000 में कितना होगा? वो यूनिटी सिस्टम, ये शेप आप याद कर लो, ये एल जैसी शेप है, उल्टा एल है। तो ये आपका प्रॉफिट कितना निकल गया इस वैल्यूएशन से 75। तो हमको ये पता लग गया 225 में 75 का प्रॉफिट है तो कॉस्ट कितनी होगी। जैसे अपन ने यहाँ निकाला था कि 450 में से 165 का प्रॉफिट है तो कॉस्ट कितनी होगी, सेम यही है 225 में 75 का प्रॉफिट है तो कॉस्ट कितनी होगी। तो ये सिस्टम आपको समझ में आने चाहिए। ये चीज आप लेस कर देंगे तो आपका काम यहां तक का हो गया। प्राइम कॉस्ट आपकी
प्राइम कॉस्ट तक का तो टॉपिक आपका निकल गया, ये आपका आया दिस फिगर। अब यहां आके चीज और थोड़ी सी टेक्निकल हो जाएगी। थर्ड लाइन में लिखा है पैराग्राफ की फिनिश स्टॉक इज वैल्यूड एट प्राइस विच इज रिसीव फ्रॉम प्रोसेस टू सेल ऑफ द मंथ 28 लाख। कहता है सेल 28 लाख है। सबसे पहले आप यहाँ सेल लिखो। अब देखो ऑर्डर बता रहा हूं, सबसे पहले आप यहाँ सेल लिखो। कैसे निकलता है सेल? सेल के बाद आप यहाँ 28 लाख यहाँ का टोटल कर दोगे, यहाँ भी 28 लाख आ जाएगा। तो सेकंड नंबर आप यहाँ इसका टोटल कर दो। अब आपको पता है कि 24,75,000 की चीज है और आपने 28 लाख में बेची है। क्या बोल रहा हूँ, 24,75,000 की चीज है, आपने 28 लाख में बेची है, तो प्रॉफिट कितना आएगा? 3,25,000। ये प्रॉफिट के कॉलम में लिख दो। तो थर्ड नंबर पे आप ये प्रॉफिट निकालो और फोर्थ नंबर पे उस प्रॉफिट को यहाँ लिख दो, यहाँ डैश आ गया। अब फाइव नंबर पे आप इन सब का टोटल करो। ये टोटल हो गए, ये टोटल हो गए, तो इन टोटल में से इन टोटल को घटा दो तो बैलेंसिंग फिगर में आपका ये वाले फिगर निकल जाएंगे, बैलेंसिंग फिगर में ये वाले। तो यानी सबसे पहले आपको यहाँ सेल लिखना है, सेल का टोटल यहाँ टोटल करोगे फिर यहाँ प्रॉफिट निकलेगा, वो प्रॉफिट यहाँ आएगा, फिर ये टोटल होंगे, उसके बाद बैलेंसिंग फिगर में ये दोनों निकलेंगे। इस तरीके से इस क्वेश्चन का कंक्लूजन होगा। ये कंक्लूजन आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या कि 28 लाख की चीज को, सॉरी 24,75,000 की चीज को आपने 28 लाख में बेच दिया, तो आपने इतना प्रॉफिट कमाया, यहाँ से प्रॉफिट निकलेगा, देन कॉस्ट वगैरह के टोटल निकलेंगे, इस बात का अपन को ध्यान रखना है। अब जब तीनों प्रोसेस अकाउंट खत्म हो गए हैं आपके, फिनिश स्टॉक हो गया है, अब आप बनाएंगे एक तो स्टॉक रिजर्व अकाउंट, एक बनाएंगे पीएनएल अकाउंट। अब ये स्टॉक रिजर्व और पीएनएल क्या है, इनको समझने की जरूरत है। देखो स्टॉक रिजर्व जो है ना, वो आपकी एक लायबिलिटी है, रिजर्व है तो लायबिलिटी है। लायबिलिटी साइड क्रेडिट साइड से बढ़ती है और डेबिट से कम होती है, कोई भी लायबिलिटी ऐसे ही चलती है। तो इसलिए ओपनिंग बैलेंस जो है इसका बाय बैलेंस बीडी यहाँ आएगा और टू बैलेंस सीडी आपका यहाँ आना चाहिए, ठीक है। तो अगर अपन देखें तो ओपनिंग जो प्रॉफिट से, देखो प्रोसेस टू के अंदर जो आपका प्रॉफिट दे रखा था वो 30,000 रुपए का दे रखा था। स्टॉक रिजर्व का मतलब क्या होता है, जो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट है ना उसी को स्टॉक रिजर्व बोलते हैं। तो ओपनिंग प्रॉफिट कितना था, 30,000 रुपए का, और फिनिश गुड्स में ओपनिंग प्रॉफिट कितना था, 165 का, टोटल हो गया 195। अब 195 यहाँ आ गया। अच्छा क्लोजिंग बैलेंस अपन ने निकाले थे ऊपर, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जो प्रॉफिट है, ये तो ओपनिंग स्टॉक के अंदर प्रॉफिट है, ये कौन से प्रॉफिट है, प्रॉफिट इन ओपनिंग स्टॉक्स। ऐसे प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक अपन ने निकाले, वो कहां कहां निकाले हैं? देखो फर्स्ट में तो कोई प्रॉफिट था नहीं क्लोजिंग स्टॉक में, ये देखो सेकंड में था 15,000 का क्लोजिंग स्टॉक के अंदर, और फिनिश गुड्स में था 75,000 का। तो 75 और 25 ध्यान देना, 75 और 25 मैं कलर करके दिखा देता हूं आपको। ये देखिए यहाँ 15,000 यहाँ है और 75,000 यहाँ है, ये दो क्लोजिंग स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक है, देखो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर प्रॉफिट 15 और 75 है। ये 15 और 75 जो है वो आप यहाँ दिखा देंगे, ये लो ये आपका आ गया 90,000। तो अब इससे अपना क्या हुआ कि अपना ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट भी आ गया, क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट भी आ गया। अब इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, देखें इसका डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, इस साइड का टोटल आ रहा है आपका 195 और यहाँ आ रहा है 90, तो डिफरेंस आ गया 1,05,000 का। ये आपका पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा कि आपके लिए प्रॉफिट हो गया, और ये पीएनएल में आपका 1,05,000 रुपये जो है वो स्टॉक रिजर्व के नाम से यहाँ आ जाएगा। तो ये अब अपनी पीएनएल अकाउंट की शुरुआत हो गई है। पीएनएल आपका नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट साइड में इनकम्स आएंगी, डेबिट साइड में आपके एक्सपेंसेस आएंगे। अब देखो आपको तो यहाँ प्रॉफिट ही प्रॉफिट हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ प्रोसेस वन से लेते हैं। ये आपका प्रोसेस वन है, प्रोसेस वन के अंदर आपको प्रॉफिट हुआ था यहाँ 2,70,000 का, आपने पीएनएल में डाला था 270, तो ये आ जाएगा। प्रोसेस टू में आपको प्रॉफिट हुआ था टू पीएनएल 4,50,000 का, वो भी आ जाएगा। और फिनिश गुड्स अकाउंट में भी आपने टू पीएनएल करके 325 लिखा था, वो भी यहाँ आ जाएगा। तो ये तीनों प्रॉफिट आपके यहाँ आ जाएंगे, प्रोसेस वन का, टू का और फिनिश गुड्स का, और ये 1,05,000 यहाँ से आई गए। कुल मिलाकर ये सब आपको प्रॉफिट्स हुए, यही आपका नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर में है, यहाँ आ जाएगा। तो ये दो एडिशनल अकाउंट हैं जो कि आपको बनाने पड़ते हैं, एक तो स्टॉक रिजर्व अकाउंट है और एक आपका पीएनएल अकाउंट है।
ये इसका फिक्स फॉर्मेट है, सीए एग्जाम में भी इससे बड़ा क्वेश्चन आपका नहीं आया है, चिंता ही मत करना, दिस इज द मैक्सिमम थिंग विच यू कैन डू इन इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन को आप लिख के करेंगे तो आपको सारे स्टेप्स याद भी हो जाएंगे।